बात करते हैं ग्वालियर की, जहां गेहूं पिसवाने आए युवक को सरपंची के चुनाव में हारे प्रत्याशी ने रास्ता रोका और वोट ना देने पर मारपीट कर तलवार मार दी। घटना का पता चलते ही युवक के परिजन भी आ गए और दोनों पक्षों में विवाद और मारपीट के साथ ही पथराव हुआ। घटना का पता चलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को काबू में किया है। आपको बता दें कि ग्वालियर के हसनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम आरोली निवासी सुरेश सिंह कुशवाहा सरपंची के चुनाव में प्रत्याशी थे और मतगणना के बाद वो हार गए। बीते रोज गांव में ही रहने वाला हरेंद्र सिंह राणा उनके घर के पास स्थित चक्की पर गेहूं पिसवाने आया था, जहां पर उसे सुरेश ने रोका और कहा कि उसने वोट नहीं दिया है और इसलिए वो उधर ना आया करे। इस बात पर उनके बीच विवाद हो गया, जहां सुरेश के परिजन पहुंच गए और हरेंद्र की मारपीट कर उसे तलवार, सरियों और लाठियों से भी पीटा। हरेंद्र को पीटे जाने का पता चलते ही हरेंद्र के परिजन भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्षों में इस दौरान जमकर मारपीट हुई, पथराव भी हुआ। मामले का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराकर दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस मामला दर्ज कर लिया है। मामले में एडिशनल एसपी राजेश दंडौतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि हसनापुर के आरोली गांव में सरपंच चुनाव में वोट न डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया है। दोनों ही पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों से चार चार लोग घायल हुए हैं, जहां दोनों की शिकायतों पर क्रॉस मामला भी दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़। ये थाना हसनापुर के अंतर्गत अरोली गांव है और इसमें चुनाव हुए थे। चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्ष थे, जिनमें दोनों पक्षों में विवाद हुआ और इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों पक्षों के जो प्रत्याशी हैं दोनों ही हार गए हैं। इस बात पर कहा कि तुमने अपने लोग आपके लोग दोनों ही हार गए और एक दूसरे से मुँहबाद होने पर झगड़ा हुआ और झगड़ा थोड़ा सा बढ़ गया तो उसमें पथराव भी हो गया, जिसमें दोनों पक्ष के चार चार लोग घायल हैं और इसमें FIR रजिस्टर की जा रही है। दोनों पक्षों की मेडिकल की भेज दिया गया, किसी को भी गंभीर चोट नहीं है। फिलहाल मेडिकल के बाद उसमें और इन्वेस्टिगेशन किया जाकर आरोपियों को उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।